कोविड से ठीक होने वाले मरीजों में थकान और कमजोरी एक बड़ी समस्या है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि कोविड से ठीक होने वाले मरीजों में बैक पेन भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। एक बड़ी आबादी है जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद बैक पेन, जिसमें कमर के निचले हिस्से में दर्द की समस्या होती है, उससे परेशान है। डॉक्टर्स का भी मानना है कि बैक पेन और सर दर्द कोविड-19 के सबसे आम लक्षणों में से एक है। ऐसे में आपको ये बैक पेन नजरअंदाज करना काफी भारी पड़ सकता है। तो कोरोना से ठीक होने के बाद बैक और सर में दर्द क्यों होता है और इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। एक रिसर्च में पाया गया है कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित 63% लोगों ने और ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित करीबन 42% लोगों ने लोअर बैक और सर में दर्द होने की शिकायत की है। दरअसल कोरोना वायरस शरीर के तीन हिस्सों, सर, लोअर बैक यानी पीठ का निचला हिस्सा और मांसपेशियों पर हमला करता है। ऐसे में ज्यादातर लोग थकान, कमजोरी, चक्कर आना और कमर दर्द की समस्या का सामना कर रहे हैं। संक्रमित मरीजों को घुटने के आसपास मांसपेशियों में दर्द की समस्या भी हो रही है। अब समझ लेते हैं कि ये बैक पेन आखिर होता क्यों है। संक्रमित मरीज के शरीर में कोरोना वायरस साइटोकाइंस हार्मोन को एक्टिव कर देता है। इस हार्मोन का नेचर प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, जिससे सेल्स में सूजन बढ़ने लगती है। साइटोकाइंस हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनाता है, जो सर में दर्द होने का सिग्नल देता है। अब सवाल ये है कि बैक पेन और सर दर्द से निजात कैसे पाया जाए। सबसे पहले तो अगर आपको बार बार और लगातार बैक पेन हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब तक दर्द में आराम ना मिले, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। कोरोना से रिकवर हो जाने के बाद आपको स्टेप लैडर पैटर्न को फॉलो करना है। अब ये स्टेप लैडर पैटर्न क्या है, इसमें हर 2 हफ्ते आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को 30% से बढ़ाना है। जैसे अगर आप कोरोना से पहले 100 कदम चलते थे तो रिकवर होने के बाद 30 कदम से शुरुआत करें। 2 हफ्ते बाद इसे बढ़ाकर 60 और उसके 2 हफ्ते बाद 90 कर दें। शुरुआत में हल्के पीठ की एक्सरसाइजेस करें और बाद में इसको आप बढ़ा सकते हैं। आपको खाने पीने की चीजों का भी भरपूर ख्याल रखना है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसे समय में ठंडी चीजें खाने से आपको बचना होगा। आखिर में आपको हमारी बातों को सिर्फ सुझाव के तौर पर लेना है, ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं। हर इंसान का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है, लिहाजा उनका इलाज भी अलग अलग तरीके से होता है। ऐसे में किसी भी एक्सरसाइज, दवा या उपचार को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर कर लेना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।